ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। जिसको मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 7 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे, लेकिन जहां पर जिस स्थान पर राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूँ, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ, हमने अपने शासन की तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। ये तो एक अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा?